नीट परीक्षा में धांधली से पीड़ित छात्रों से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। बड़ी अपडेट, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज शाम 4 बजे मुलाकात करेंगे, पीड़ित छात्रों से जानेंगे राहुल गांधी परीक्षा में धांधली का ये पूरा मामला। नीट परीक्षा में धांधली का जो पूरा मामला सामने आया है, उसके बाद सियासी सरगर्मियां भी जोरों पर हैं और ऐसे में अब राहुल गांधी मुलाकात करेंगे धांधली से पीड़ित छात्रों से, और साथ ही क्या कुछ पूरा मामला रहा इसके बारे में जानकारी लेंगे। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आज शाम 4 बजे का कार्यक्रम है जब मुलाकात करेंगे, और अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, नीट में धांधली के बाद से ही कहीं ना कहीं सियासी सरगर्मियां भी जोरों पर हैं, कई सारे बयान सामने आ रहे हैं, और इसी बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो मुलाकात का कार्यक्रम है ये अपने आप में बड़ी खबर है, क्या कुछ इसके बारे में जानकारी? बिल्कुल, देखिए, अगर देखा जाए तो इस समय पहले नीट एग्जाम पर सवाल खड़े हुए थे, उसके बाद यूजीसी और नीट का जो परीक्षा रद्द कर दिया गया है, तो लगातार जो शिक्षा मंत्रालय की जो एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो परीक्षा का आयोजन कराती है, उस पर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो राजधानी दिल्ली में जो बड़े नेता हैं लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, सियासत गर्म है, और इसी बीच राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज शाम 4 बजे जो नीट परीक्षा के जो पीड़ित छात्र हैं उनसे मुलाकात करेंगे। देखिए, नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, इसके पहले भी सुनवाई हुई है, लेकिन छात्रों का यह कहना है कि उन्हें कहीं से न्याय नहीं मिल पा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया था, लेकिन कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, इसके लिए वो लोग लगातार जो है दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो आज भी सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है और राहुल गांधी भी शाम 4 बजे मुलाकात करेंगे जो नीट परीक्षा में जो पीड़ित छात्र हैं जिनको न्याय नहीं मिल पाया है, वो न्याय के लिए लगातार गुहार लगा रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि देखिए राहुल गांधी से मिलने के बाद कुछ सकारात्मक बातें सामने आएंगी, क्योंकि देखिए लगातार जो नीट परीक्षा में धांधली की बातें सामने आ रही थी पहले, और अब प्रूफ हो गया है, क्योंकि पटना में जो गिरफ्तार आरोपी है वो लगातार स्वीकार कर लिए हैं कि किस तरह से उनको एग्जाम दिलाया गया, किस तरह से पेपर लीक हुआ था, और पहले ही उनको पेपर मिल गया था, रात भर उन लोगों ने पेपर की को लेकर पूरी तरह तैयारी की, और अगले दिन परीक्षा में हूबहू वही क्वेश्चन आए थे। तो सवाल अब बड़ा हो गया है, ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ सरकार की तरफ से कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल आज राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं, इसको लेकर सियासत गर्म है। जी एक्चुअली राजीव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो इस मामले में बड़ी अपडेट भी आपको दे दें कि 12 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है, 8 जुलाई को सुनवाई होगी, और लगातार एनटीए घेरे में है, और सुप्रीम कोर्ट की ओर से एनटीए के याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई होनी है।